हेलो बच्चों, मैं हूँ वर्षा सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपको हाई स्कूल का टॉपिक पढ़ा रहे थे, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसी को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, या अब किताब में आ गया स्टेट्स। स्टेट्स को कहते हैं सांख्यिकी। इसमें हम अर्थमेटिक मीन पढ़ा रहे थे, समांतर माध्य या मीन या एवरेज, तीनों एक ही चीज़ है। क्वेश्चन आपका होगा, हमने तीन मेथड बताया आपको। पहला मेथड हमने बताया है डायरेक्ट मेथड, जो पहला हमने टॉपिक हमने लूट किया था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इसे हिंदी में कहते हैं डायरेक्ट मेथड, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट मेथड, हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। दूसरा मेथड बताया था हमने ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, जहाँ डी इज इक्वल टू हो एक्स माइनस ए, इसी को कहते हैं डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड या एक्सियम मेथड। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब हम यहाँ पे करना क्या है, और तीसरा हमारा है ये स्टेप डिवीजन मेथड। इसका फार्मूला होता है एच इंटू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, जहाँ डी इज इक्वल टू हो एक्स माइनस ए और यू इज इक्वल टू हो डी अपॉन एच। ये चीज़ आपको याद रखनी है, फार्मूला आपको क्लियर है, जब भी आपको समझ में आएगा। तीनों क्वेश्चनों तीनों तरीकों के में आपको सिग्मा एफ लाना है, एक्स लाना है। तो पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई टू, 50-50 बाई टू कितना हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा आपका 35, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 65। अब सिग्मा एफ जब आप ऐड करिएगा तो आपका ऐड करिएगा तो इसको आ जाएगा 140, ये आपको करना है। अब देखिए, शॉर्टकट मेथड में जो चीज़ वैल्यू आती जाए वो रखते जाइए, वैल्यू उन्हें पुट किए 140। अब हम लाएंगे कॉलम, लाएंगे डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ए ऐसी संख्या लेंगे जो जस्ट बीच की हो, ए आपके 45, तो ए की जगह हमने ए की वैल्यू पुट करते जाओ। अब यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 45, 35 माइनस 45, 45 माइनस 45, 55 माइनस 45 और 65 माइनस 45। माइनस करिएगा तो आ जाएगा माइनस 20, माइनस 10, 0, 10 और 20, ये हो जाएगा डी। शॉर्टकट मेथड में यही डायरेक्ट एफ डी निकाल देते थे, यहाँ एक स्टेप और बढ़ेगा, यू इज इक्वल टू होता है डी अपॉन एच। अब यहाँ पे एच ऐसी संख्या लेनी है जो इन सब से डी में सबसे आसानी से सॉल्व हो जाए। यहाँ पे हम एच ले रहे हैं, एच इज इक्वल टू 10, एच इज इक्वल टू 10, जब एच इज इक्वल टू 10 लिया तो 10 की जगह हमने एच की जगह एच की वैल्यू पुट कर दी, कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 20 बाय 10, माइनस 10 बाय 10, 0 बाय 10, 10 बाय 10 और 20 बाय 10, ये हो जाएगा माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2। अब हम एक कॉलम लाएंगे एफ यू का, एफ यू, एफ यू का मतलब होता है एफ इंटू यू, एफ का यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा 50, 40 का माइनस 1 से करेंगे माइनस 40 आएगा, 22 का 42 का 0 से करेंगे, 33 का 1 से करेंगे तो आ जाएगा 33, और 10 का 2 से करिएगा तो आ जाएगा आपका एफ यू आपका 20। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए माइनस माइनस अलग ऐड करिए और प्लस प्लस अलग ऐड करिए, इसका मतलब हुआ 53 माइनस 90, 53 में से 90 माइनस करिएगा तो 90 माइनस 53। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 37, किसका माइनस का, क्योंकि पॉजिटिव कौन सा है, माइनस 37। अब हम यहाँ पे रख देंगे माइनस 37 अपॉन 140, ये चीज़ आपके समझ में आई क्या नहीं आई। अब ये आपका आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे 45 प्लस, अब इसको हम डेसिमल में ले आएंगे, इसको हम क्या ले आएंगे डेसिमल में ले आएंगे, इसको हम डेसिमल में ले आएंगे तो आपका हो जाएगा 14 का हम 37 से डिवाइड करेंगे, लगाया डेसिमल उतारा जीरो, तो
तो इसका आंसर जो आया आपका आया माइनस टू पॉइंट सिक्स फोर। तो 45 माइनस 2.64 माइनस कर दिया हमने, 45.0 में से 2.64 माइनस कर दिया आपका। इधर कैरी आया 6 आया, यहाँ आया 9, 3 ये आ जाएगा 4, फोर्टी टू पॉइंट थ्री सिक्स ये आपका अर्थमेटिक मीन आया स्टेप डिवीजन मेथड से। कितना? स्टेप डिवीजन मेथड से ये आपकी वैल्यू आई। क्लियर हुआ? अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं आपको, ये आपका है। अब ये क्वेश्चन आपको लगवाते हैं तीनों तरीके से। तीनों तरीका क्या है? पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड और तीसरा एक्ज्यूम मेथड। तीनों मेथड से अगर आपका आंसर सेम आ गया तो आपको तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, तीनों आपके समझ में आ गए। अब ये हम कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे होगा? क्वेश्चन है 0 to 10, क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ये क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी था आपके, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 7, 10, 15, 8 और 10। अब इसमें हमें तीनों मेथड से एक ही चीज़ लानी है। अब आप ध्यान दीजिएगा, पहला मेथड है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सेकंड मेथड है शॉर्टकट मेथड, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तीसरा मेथड है ये, इसका फार्मूला होता है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, जहाँ डी इज इक्वल टू हो एक्स माइनस ए और यू इज इक्वल टू हो डी अपॉन एच। अब हम यहाँ मिड वैल्यू लाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 45। अब जब हम पहला मेथड लगाएंगे तो एफ एक्स लाएंगे, क्या लाएंगे बेटा? एफ एक्स। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 35, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 150। 25 का 5 15 से करेंगे तो 375 आएगा, 375 मल्टीप्लाई करना सबको आता है। 35 का 8 से हम करेंगे 280 आएगा, 280। और 45 का 10 से करेंगे 450 करेंगे। इसको हमने ऐड किया सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स सबको हमने ऐड किया तो आपका आंसर आया 1290। और सिग्मा एफ जब आप करेंगे, सिग्मा एफ जब करेंगे आ जाएगा 15, ये आपका आ जाएगा 50। तो पहला फार्मूला लगाएंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हुआ 120 अपॉन 50, 0 कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25.8। डिवाइड करना सबको आता है, हम डिवाइड करके नहीं दिखा रहे। ये आपका पहला मेथड हुआ आपका डायरेक्ट मेथड। अब हम दूसरा मेथड बताएंगे इसी में, इसी चीज़ में। कौन सा मेथड आपका है? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना है? क्वेश्चन आपको यही दिया है, क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तीनों क्वेश्चनों में हमें मिड वैल्यू निकालनी है, सिग्मा एफ निकालना है। अब हम लाएंगे, इसका फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू अब देखिए, यहाँ तक क्या हमने निकाला है, जो वैल्यू आपकी आ गई वो हमने रख दी। सिग्मा एफ कितना है तुम्हारा? 50। अब हम लाएंगे कॉलम डी का, डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए, डी आप क्या ले रहे हैं? 25। तो हो जाएगा 5 में से 25 माइनस किया तो -20, 15 में से 25 माइनस किया आपका आया -10, 25 में से 25 माइनस किया 0 आया, 35 में से 25 माइनस किया 10 आया और 45 में से 25 माइनस किया आया 20। अब हम कॉलम लाएंगे एफ डी का, एफ इंटू
डी, एफ इंटू डी का जब लाएंगे तो आपका एफ इंटू डी ध्यान दिएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 140 माइनस 100 जीरो 80 200 सिग्मा एफ डी लाएंगे, सिग्मा एफ डी लाने में आप माइनस माइनस अलग जोड़िए, कितना आंसर आया, माइनस 280 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 280, कितना आ जाएगा 280, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा जीरो, 240 होगा, सॉरी 240 होगा 280, तो इसका मतलब हुआ 280 में से 240 माइनस करोगे तो आ जाएगा 40, सिग्मा एफ जो आया वो 40 आया, तो यहाँ पे हमने रखा 40, ए की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई थी 25, ये चीज सॉल्व हो जाएगी 25 प्लस, अब 5 को 4 से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल लगाया उतारा जीरो, 5 8 40, तो आंसर आया 0.8, इसको ऐड करेंगे तो 25.8, ये आपका इस मेथड से आ गया, क्लियर हुआ, इससे पहले वाले मेथड से भी सेम आंसर आया था, इस मेथड से भी सेम आंसर आया, अब तीसरा मेथड हम लगाएंगे स्टेप डिवीजन मेथड, कौन सा स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड में क्या करना है, फार्मूला आपको चेंज करना है, इसलिए हम इसी क्वेश्चनों में आपको हम करवाते जा रहे हैं, अब एक साथ कोई भी आप घर में क्वेश्चन लगाइए, एक क्वेश्चन आप लगाइए, तीनों मेथड से लगाइए, अगर तीनों से सेम आंसर आ रहा है तो मतलब आपको तीनों चीज़ आपकी क्या है सही है, आपको ना किसी टीचर को दिखाना है ना किताब का आंसर चेक करना है, कोई मतलब नहीं, अगर तीनों से सेम आंसर आया, अब देखिए अब स्टेप डिवीजन मेथड का फार्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, जहाँ डी इज इक्वल टू हो एक्स माइनस और यू इज इक्वल टू हो डी अपॉन एच, क्लियर, अब देखिए जो चीज़ वैल्यू आती जाए वो पुट करती जाइए, पहले सबसे पहले हमारे सिग्मा एफ आ गया, ठीक, ए आपने निकाल लिया था, स्टेप डिवीजन मेथड लाने के लिए आपको शॉर्टकट मेथड आना चाहिए, जब भी आपको स्टेप डिवीजन समझ में आएगा, ये आपका आ गया, अब एच लाना पड़ेगा, डी आ गया, अब यहाँ पे यू इज इक्वल टू होता है, यू इज इक्वल टू होता है डी अपॉन एच, अभी हमने आज ही सिखाया था एच ऐसी डिजिट लेंगे जो इन सबसे आसानी से कट जाए, कौन सी संख्या लेंगे, एच इज इक्वल टू क्या ले रहे हम 10, तो माइनस 20 बाय 10 माइनस 10 बाय 10 0 बाय 10 10 बाय 10 और 20 बाय 10, ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 0 1 और 2, अब कॉलम आएगा एफ यू का, कौन सा आएगा एफ यू, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 14 आया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 10 आया, 15 का 0 से किया आया 0, 8 का 1 से किया आया 8 और 10 का 2 से किया कितना आया 20, यहाँ पे सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू का मतलब माइनस माइनस अलग ऐड करिए 28, तो 28 माइनस 24 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, सिग्मा एफ यू जो आया 4, अब हमने यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी रखी है हमने 10 और सिग्मा एफ यू की जगह कितना रखा 4, 0 से 0 कट गया 25 प्लस 4 बाय 5, 4 बाय 5 को आप डिवाइड करेंगे, अभी आपने किया था 5 को 4 से करेंगे लगा डेसिमल उतारा 0, तो आंसर आया 25 प्लस 0.8 मतलब 25.8, ये आपका आंसर आया, अब आप खुद देखिएगा तीनों मेथड्स हमने एक ही क्वेश्चन को हमने तीनों मेथड से लगवाया, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या एक्ज्यूम मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, इसे लघु विधि कहते हैं या कल्पित विधि कहते हैं, इसे कहते हैं पद विश्लेषण विधि, तीनों मेथड से आंसर आपका आया 25.8, अगर ये चीज़ तीनों से आंसर सेम आ रहा है तो मतलब आपका तीनों आंसर क्या है सही, तीनों मेथड आपके समझ में आ गए, ठीक है बच्चा, अगर आप लोग को हम लोग की मेहनत अच्छी लग रही है, पढ़ाने तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अदर्स बच्चों में शेयर करिए, थैंक यू।